बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। मैं आपका भैया दी एकदम झकास। आज जो है अभी मैं जुमा पढ़ के आया हूँ और आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा और टाइटल पढ़ लिया होगा कि यार हम लोग क्या लाए हैं। आप लोगों ने यह पढ़ा होगा कि यार बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। खैर अभी जो है मैं छत पर आया हुआ था अपने खरगोशों को देखने के लिए। मैं अगर ज़रा देख लूँ, आज मैं सारा दिन नहीं आया यार। ठंड का लेवल अगर मैं आपको बताऊँ ना, आप लोग ना ही पूछें भाई साहब, ठंड बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है आज बहुत सारा ठंड हुई है, तो कुछ इस तरह से हमने ढके हुए ताकि इनको ठंड ना लगे। ये ज़रा पीछे करते हैं और ये हटाते हैं। मुखड़ा किधर गए हुए हमने यार, इनको यहाँ पे बंद कर दिया। वो आ गई, हमने इनको यहाँ पे इस तरह का बंद कर दिया, बस इनका घर ना है। आपने इंशाल्लाह कमेंट में लिख देना है इंशाल्लाह आज या कल परसों, क्योंकि आज जुम्मे तो कल हफ्ता है। आप लोगों को सबसे पहले जुम्मा भी मुबारक हो। कल हफ्ता है और इतवार, ये दो दिनों में इंशाल्लाह हम इनका घर जो है कंप्लीट कर लें। बस आप लोग कमेंट में इंशाल्लाह लिख दें, ठीक है ना यार। बस ये दो दिन है ना, क्योंकि आगे छुट्टी है ना पापा को भी, तो उनके साथ मिलके हम इजीली काम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इनको देखने आया था यार, इनको खाना तो पड़ा ही नहीं हुआ यार। हेलो, क्या हाल है? चलो इन्होंने खाया ही होगा, वैसे हर टाइम तो खाते रहते हैं। देखो बाहर आने की कार है भाई, बाहर नहीं आना, बहुत ठंडा आज। हाँ जी, नहीं आना, अंदर ही रहो। चलो शाबाश, अंदर ही। इसको वापस लगा देते हैं ताकि हवा ना जाए। बाकी बिल्ली आजकल इनके जो पीछे पड़ी हुई है ना, वो तो हाथ धो के इनके पीछे पड़ी हुई है। बाबा जी हमने बाहर छोड़े होते हैं अक्सर दोपहर के टाइम, जब धूप होती है। आज तो धूप ही नहीं निकली, हम बाहर छोड़ते हैं, आती है, हम यहाँ पे बैठे होते हैं मंजी पे, पीछे से आती है, ये सीढ़ियों वाली साइड से नीचे उतरती है। नीचे उतर के बाबा जी ऐसे ना पास भी आ जाती है कभी कभार ना, हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो भाई साहब किसी ने इसने खरगोश मारा एक ले जाना। बहुत इनके पीछे पड़ी हुई है बिल्ली, अब इनसे बड़ा केयर करनी पड़ रही है, इस वजह से हमें ख्याल रखना पड़ा। तो खैर मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि था हमारा कि बहुत बुरा हुआ। छह चूज़े लाए थे, समझ गया ना, थे। नीचे चल के आपको सारी कहानी बताते हैं, बल्कि यहीं पे बता देते हैं। नीचे चल के गया आपको, नीचे जाके चूज़े दिखाते हैं यार। हम लोग था, मैं गया हुआ था पिछले दिनों अपने रिलेटिव्स के घर, तो वहाँ से जब मैं वापस आया हूँ तो ये सुभान वगैरह जो आया, फिज़ान ने आके मुझे ना, फिज़ान गया हुआ था बाज़ार, उसने आके बताया कि यार बाज़ार जो है वो टूटा पड़ा है। पहली खबर तो ये, वो मैंने आपको लोग दिखा दिए, लास्ट लोग अगर नहीं देखा तो जाकर देख लें, और यहाँ ऊपर आ रहा होगा, ठीक है ना, वो ज़रूर जाके देखें। अब में चूज़े आए हुए हैं, सेल लगी हुई है, बहुत सस्ता चूज़ा मिल रहा है, बहुत सस्ता। मैंने और कहता देसी चूज़ा, मैं ये सुन के हैरान हुआ कि कह रहा है देसी चूज़ा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं यार, देसी चूज़ा इतना सस्ता कैसे हो सकता है। जब मैं गया वहाँ पर मुझे पता था ये फार्मी होने, जब मैं गया तो वो फार्मी थे। अब मेरा दिल एक कर भी रहा है ले लूँ, एक नहीं भी कर रहा, क्योंकि यार फार्मी चूज़े हैं पलते तो है नहीं। मैंने कहा चलो एक इस बार लेके देखते हैं और इनकी फुल केयर करते हैं और इनको पालते हैं। अब हमने वहाँ पे, मैं 8 ले रहा था, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे, मेरे कुछ दोस्त भी थे वो, लेकिन सब्सक्राइबर थे तो उन्होंने आगे कहा जी भाई वो लोग नहीं बना रहे, मैं कब बना रहा हूँ। फिर उन्होंने भी 6 चूज़े लिए, मैंने भी उनको देखा देखी 6 चूज़े जो है वो खरीद लिए। और जब मैं उनको घर लेकर आया, मैंने सारा कुछ सेटमेंट किया तो लाइट चली गई, क्योंकि बाजार सारा टूट रहा था तो धमाका वगैरह हुआ ट्रांसफार्मर में, लाइट चली गई। वरना मैंने उनके लिए बल्ब लगाना था, एक अच्छा वाला बल्ब लगा के रखना था ताकि उनको सर्दी ना लगे। अब वो बल्ब भी नहीं लगा और ऊपर से लाइट चली गई, और मैं उनको बस ऊपर से कपड़ा डाला है, पिंजरे में रखा है कपड़ा डाला है, और नहीं तो मैंने अंदर कोई तूड़ी छूड़ी का इंतजाम कुछ भी नहीं, दाना डाला, मैं जी चला गया कहीं बाजार आप लोगों को दिखाने। तो वहां से वापस आया और मैंने जब ऊपर आके देखा, लाइट उस वक्त नहीं आई थी, मैंने ऊपर आके देखा क्योंकि चीजें चूसे जो है वो चीख मार रहे थे अपनी, बड़ी ऊंची ऊंची चीख रहे थे चूसे, चू चू कर रहे थे। जब मैंने ऊपर आके देखा तो भाई साहब उसमें 3 चूसे जो है वो फोत हो गए थे। अब वो 3 चूसे हमने उठा के, मैंने घर वालों को भी उस टाइम नहीं बताया, मैंने उठा के आराम से बिल्ली को खिला दिया। यार अब मैं क्या कर सकता था उन 3 चूजों का। तो खैर उसके बाद 3 जो मेरे वो बच्चे, मैंने उस वक्त क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी तो मैंने कपड़ा एक अंदर रखा और उसके अंदर जो है उनको बिठा दिया ताकि उन्हें ठंड ना लगे। जैसे ही लाइट आई मैंने फौरन से उनको बल्ब लगा के दिया ताकि वो बचे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 दिन हो गए उन चूजों को और वो हमारे पास बिल्कुल फिट फाट है 3 दिनों से। और इतनी लंबी व्लॉग कर लिया अभी तक, कितने मिनट का हो गया अभी मैं देखता हूँ, मेरी बाजू जो है वो थक गई है। मैं नीचे चल के आपको 3 चूजे दिखाता हूँ, पूरी स्टोरी आपने सुन ली है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं नीचे चल के आपको पूरे 3 चूजे अपने दिखाता हूँ, ठीक है आज। और उसका नाम आप लोगों ने बताना है, ठीक है। एक नाम मेरे दिमाग में चल रहा है जो कि है 3 बहादुर, कैसा नाम है, अच्छा लग रहा है ना। चूजा दिखा दूँ फिर देखते हैं क्या नाम रखना है। आपस की बात है, 4 मिनट तक मैंने कैमरा उठाए रखा है भाई साहब, अभी दर्द होने लग गई है बाजू आए। नीचे चलते हैं और आपको जो है चूजे दिखाते हैं। तो यार अभी जो हम नीचे आ चुके हैं और ये चेक कर सकते हैं मेरे तोते हैं कैसे हैं वो भाई साहब, कितने कितने बड़े हो गए हैं देख सकते हैं आप।
ये चेक करें, ये सामने बैठा है ना मेन फोकस, ये देखें सारे ये ग्रे दोनों बच्चे हैं, और एक वो जो एंड पे ऊपर बैठा है ना ऊपर वाली साइड पे जो येलो सा है वो भी बच्चा है, और एक ये बैठा हुआ है ब्लू कलर का, और ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और अगर मेरे पीछे इधर देखें, इधर है जी हमारे तोते जो चूज़े सॉरी, जो कि इस तरह मैंने ढके हुए हैं, इनको ठंड ना लगे, हल्का सा दिखाता हूँ ऊपर से, ये चेक करिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखना यार नज़र ना लग जाए। एक मिनट आपको दिखाता हूँ हटा के, हेलो हल जी देख ले जी हमारे चूज़े आ चुके हैं, ठीक है ना, बहुत प्यारे, बल्ब की रोशनी बहुत तेज़ है। खैर ये हैं जी हमारे चूज़े जो कि तीन रह चुके हैं, इनके तीन साथी जो हैं वो उसी दिन अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और अब ये सिर्फ तीन हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हैं जी वो तीन चूज़े, हेलो इधर इधर मस्ता करने से आते हैं ना, ये देख सकते हैं फार्मी और माशाल्लाह इनके पार आ चुके हैं, और काफ़ी बड़े बड़े आपको कैमरे में लग रहे होंगे, लगे हैं निके 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 चूज़े हैं, तीन दिन इनको हो गए, मैं यही खुशी है यार कि इनका दिन जो है स्कूल से गुजरे सिर्फ इस बल्ब की वजह से, ये इनको गरमाइश दे रहा है, और जिस टाइम ये बल्ब बंद होता है कोई 15 मिनट के बाद इनकी चीखें सुनने वाली होती हैं, चीखें मारने लग जाती हैं, कोई 15 मिनट के बाद इनकी चीखें शुरू हो जाती हैं भाई साहब, कि बल्ब क्यों बंद हुआ है, इन्हें ठंड लगने लग जाती है ना, नाजुक सी चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह हम इनको बड़ा करके दिखाएंगे, लोग कहते हैं जी ये नहीं पलते, हम पाल के दिखाएंगे जी इन्हें, चेक कर लें आप, ये हैं जी क्यूट क्यूट चूज़े, और इनके नाम कमेंट में लिख दें, ठीक है ना, दस्ती 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 नाम लिखा करो यार, एक आधा बंदा बताता है अच्छे से नाम, अच्छे अच्छे नाम सारे लिखा करो, ठीक है ना, कमेंट में लाजमी इनका नाम मुझे चाहिए भाई साहब। और हाँ एक और बात, 2K करवा दो 2K, मैं चाहता हूँ मेरे साल पूरा होने से पहले, मेरा 15 जनवरी का जो है मेरे चैनल को साल पूरा हो जाएगा, और शायद हम इसके बर्थडे भी मनाएं, और आप लोगों ने उससे पहले मेरे अगर 2K हो गए तो भाई साहब क्या मैं हैवी सीन करने वाला हूँ, उससे पहले अगर 2K हो गए तो बहुत कमाल वाला सीन कर देंगे, करवाने वाले को दो आप। खैर ये हैं जी हमारे चूज़े तीन बहादुर, अगर इनका नाम रखें तो आप देख लें, तीन बहादुर बहादुर, अभी कैसे कुछ भी नहीं आता ही नहीं, हेलो वो तो कोई बाहर आ गया, अभी अंदर हो अंदर, कैमरे को आए काटो, कैमरे को आए काटो, हेलो मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, मैं उसकी गर्दन आ गई, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, अरे मर रहा तो नहीं, बचे तो होगी यार, मैं कैमरे में देखूं ये हुआ क्या, पानी भी ना, नहीं नहीं यार मैं गर्म पानी देता हूँ, एक मिनट पानी इनके लिए गर्म करके लाते हैं, देखो प्यासा है, पानी इनके पिलाता ना उसे पता है, तभी यहाँ पे आया, उसे पानी पिलाते हैं ना, तो मैं पानी डालता हूँ, रुको जरा जी, इनका ये कोसा कोसा पानी अभी चेक करिएगा ये कैसे पीते हैं, ये मैंने डाला इनके ढक्कन में, ये चेक करो, एक मिनट, सा बाहर नहीं अंदर, चलो अंदर आ, वो देखो जरा वो बाहर आ गया, हेलो बाहर नहीं है पानी, अंदर चल अंदर, पीछे है पानी, पीछे हैं जहाज, ओ पीछे ये थे, देखो जरा ए नज़र आया ना, देखो पानी पी रहे हैं, तो यार अभी जो है ये देख सकते हैं मेरे हाथ में इसको मरगा, अगर आप लोगों ने मेरी मिन्ना मिनी ब्लॉग देखा है, जो मेरे छोटू लोग है, एक ही डाला था मैंने उसके बाद वो डाले नहीं, बल्कि उसके बाद भी एक डाला था, हाँ जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ था, खैर ये मेरा जो है पिछला मरगा उसमें टूट गया था, और अभी हम लोग कल नए लेकर आए हैं, जोड़ा लेकर आए, मैं कह रहा हूँ अगला भी चेंज ही करते हैं, अगला पुराना है और नया पिछला तो सेम से नहीं लगाते हैं, तो अभी मैं चेंज करने लगा और आप लोगों को भी खाने लगा, ठीक हो गया। तो यार ये चेक कर सकते हैं, ये नहीं साइकिल की कोई लुक आई है, ये वाला नया मुड़गाड़ लग गया, पुराना जो है वो थोड़ा ब्रीक था, ये ना थोड़े मोटे मोटे हैं, ये वाला देखें आप, इसको देखें और इसको देखें, है ना ये थोड़ा मोटा है ना, और ये वो तेरी है वो सही है बिल्कुल, वो ये अच्छे मुड़गाड़ हैं ये देखें, लेकिन वो वाला इससे ज़्यादा अच्छा है, वो जेन्युइन है, ये देखें टूटता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, वो बहुत ही नरम प्लास्टिक है ये वाला, ये बहुत ही
इसको जितना मर्जी मूव कर ले नहीं टूटेगा, ये खासियत है इसकी। और मेरा जो पुरमन गार्ड है सिर्फ इसकी वजह से टूटा, ये वाली जो मेन चीज़ है ना, इसमें तो खैर इतनी मूव है नहीं, लेकिन इसको हम इजीली कहीं से भी, यहाँ से मूव था और एक ये मूव हो सकता है, ये इसमें सिर्फ एक ही मूव है, ये सुलेमन गार्ड की एक बुरी बात है। तो खैर बस इसकी ये सीट देख सकते हैं, सीट की हालत काफ़ी ख़राब हुई है, मैं चेंज कराने का सोच रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द करा भी लेंगे। ये देख सकते हैं ये लुक है भी, वो मैंने भी ये लिया हूँ, उसने भी जो है वो मन कार्ड टूटा हुआ था तो उसने भी लिया है। आए चले जरा उसके घर चलते हैं और देखते हैं उसने चेंज किया है कि नहीं। खैर अभी मैं मैर की गली में पहुँच चुका और यहाँ मैंने साइकिल खिलाड़ी और ये चेक करें, इसने अभी भी इनके मोहल्ले का ये हाल है, आगे देखें और ये देखें इन्होंने फिर से बना लिया भाई। अरे बास नहीं आते लोग, ये देख फिर से वो देख, उसने सामने वाले ने भी बना लिया दोबारा, लगता है फिर से एक चक्कर लगवाना पड़ेगा। है बाटे का घर भी तूने क्या करना है अब इसका, किसका ये सारा दोबारा रिटर्न करवानी है उसी तरह पूरी जिस तरह थी, लगता है फिर एक चक्कर आना पड़ना है। हाँ इतना बहुत है, जितनी तुम्हारी सीढ़ी नहीं ना उन्होंने तोड़ी, सही है इतना सीधा अच्छा लगेगा। ये देखें जी इसने भी दोनों लगाया दिए, उन्हें भी दोनों ही उतार दिए हैं, हालांकि तेरा भी अगला सही था। ये भी देख लेते हैं किसका सही है, कमेंट में देख लेंगे। मेरी साइकिल की बेसब ये लुक आ रही है, आप लोग देख लें और कमेंट में आदमी बताइएगा किसने सही लगाया, किस तरीके से मेरा इस तरह और हादी का इस तरह। तेरा सीधा सीधा है, प्लेन लग रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन मेरी वाली ज़्यादा सही लग रही है यार, क्या तो कर दो दोनों को इकट्ठे दे के आते हैं प्लेन में। ये पकड़ भाई हाथ बर्फ होए पड़े हैं, हाँ मैं तो आता था भाई लोग। तो खैर यार अभी जो हमें घर आ चुका हूँ, साइकिल मैंने यहाँ पे आके खड़ी कर दिया, सफाई हुई है, हम इसकी बात में करते रहेंगे। खैर आज की वीडियो हम इसी के साथ खत्म करते हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, पहले आइकन की जरूरत बात नहीं, अगर कोई वीडियो देखनी होगी साइडों पर आ रही होगी वो भी क्लिक कर दें। भाई साहब ठंड बहुत है, आधी सुबह सुनो हुए जाके हीटर के आगे बैठते हैं और सुकून लेते हैं। आप लोग टूक के करवाओ मेरे जल्दी से, ठीक है ना, हीटर के आगे बैठ के करवा दो टूक के, ठीक हो गया।